हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है वो बता चुकी हूँ मैं आपको शॉर्ट वीडियोस में, बिल्कुल। आर्ग्यूमेंट क्या होता है वो भी बता चुकी हूँ। अब जो डिडक्टिव रीजनिंग हमने पढ़ी थी, यानी कि अब आप ये बता दीजिए मुझे कि डिडक्टिव रीजनिंग में हम जनरल टू स्पेसिफिक जा रहे थे या स्पेसिफिक टू जनरल, वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। एट्रीब्यूट्स की बात इसमें हम करेंगे कि क्या कैसे हम पता करेंगे कि डिडक्टिव रीजनिंग में ये चीज सही है भी या नहीं है, ठीक है। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आप इनकलकेट लर्निंग को कर दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला एट्रीब्यूट है इसका वैलिडिटी। तो देखिए, डिडक्टिव और इंडक्टिव दोनों रीजनिंग में हम दो दो एट्रीब्यूट पढ़ते हैं। इसमें पहला एट्रीब्यूट क्या है, वैलिडिटी, जिसमें हम चेक करेंगे। वैलिडिटी क्या चीज डिनोट करती है, लॉजिकल स्ट्रेंथ, कि वो वैलिड है या नहीं है, ये चीज देखेंगे, ठीक है। अब कैसे देखेंगे उस चीज को वो मैं बता देती हूं आपको। इफ ऑल इट्स प्रीमाइसेस वर ट्रू, यानी हम ये मान के चल रहे हैं कि ये प्रीमाइस है हमारी पहली, ये दूसरी, देन हम गए कंक्लूजन के ऊपर, ठीक है। सो अगर प्रीमाइस वन और टू सही है, ट्रू है, तो वो जो होगी ना कंक्लूजन जो है वो फॉल्स नहीं हो सकता, नेसेसरीली वो ट्रू ही होगा, ठीक है। सो लॉजिकल स्ट्रेंथ या वैलिडिटी हमें ये नहीं बताती कि ये सही है या नहीं, ट्रूथ के बारे में नहीं बताती, बट हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो पहली और दूसरी प्रीमाइसेस हैं वो सच ही हैं। तो अगर वो सच हैं तो क्या कंक्लूजन सही है या गलत, वो चीज हमें पता करनी है। तो अगर वो सही है तो ये सही ही होगा, तब जाके हम क्या बोलेंगे उसको, वैलिड। तो वैलिड आर्ग्यूमेंट कौन सा होगा, या तो प्रीमाइसेस ट्रू हो और देन कंक्लूजन भी ट्रू हो, बट ये हो सकता है कि प्रीमाइसेस फॉल्स हैं लेकिन कंक्लूजन भी देन फॉल्स हो गया, ठीक है। तीसरी सिचुएशन हो सकती है कि प्रीमाइसेस फॉल्स है लेकिन कंक्लूजन सही है। सो जहां पे ये तीन चीजें आपको दिखेंगी वो आर्ग्यूमेंट वैलिड माना जाएगा डिडक्टिव रीजनिंग में, ठीक है। बट ये कभी नहीं होगा कि प्रीमाइसेस तो सही है लेकिन कंक्लूजन फॉल्स है, गलत है, ठीक है। सो ये चीज ध्यान रखिएगा कि कभी भी ये वो आर्ग्यूमेंट वैलिड नहीं होगा जहां पे कहीं दिखा रखा हो कि ट्रू प्रीमाइसेस हैं बट कंक्लूजन फॉल्स है, सो वो चीज इनवैलिड करार की जाएगी। सो ये देख लीजिए, जो जो वैलिड है वो ध्यान रखिए, उससे अदर जो ऑप्शंस बच गए वो हमेशा इनवैलिड ही होंगे। और ये भी याद रखिएगा कि वैलिडिटी में हम लॉजिकल स्ट्रेंथ देखते हैं, ना कि सच, ठीक है। हम एक्चुअल में ये नहीं देखते कि प्रीमाइसेस एक्चुअल इन जनरल लाइफ में ट्रू है या नहीं, हम उनको अज्यूम करके चलते हैं कि ये दोनों ट्रू हैं, तो अगर ये ट्रू है तो कंक्लूजन भी ट्रू होना चाहिए, तब जाके वो वैलिड बनेगा, ठीक है। मैं एग्जांपल दिखा देती हूँ। प्रीमाइस वन बोलते हैं कि ऑल डॉग्स आर ड्रैगन्स, यानी जितने भी डॉग्स हैं वो सारे के सारे ड्रैगन हैं। प्रीमाइस टू बोल रही है कि ऑल ड्रैगन्स आर बर्ड्स, यानी डॉग्स जो हैं वो ड्रैगन्स हैं और ड्रैगन्स जो हैं वो सारे बर्ड्स हैं। सो कंक्लूजन निकल के आता है कि ऑल डॉग्स आर बर्ड्स, बट एक्चुअल में तो ऐसा नहीं होता ना। बट अगर हम ये मान के चलें कि ये दोनों सही हैं, हमने ये अज्यूम किया ये दोनों ट्रू हैं, तो फिर तो ये स्टेटमेंट सही है लॉजिकली। सो ये लॉजिकल स्ट्रेंथ को बताता है, ट्रूथ को नहीं बताता, ठीक है जी। आई होप आपको इतना समझ आया हो। देन दूसरा एट्रीब्यूट आता है साउंडनेस। तो साउंडनेस जो है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का एट्रीब्यूट है, जो क्या बताएगा, ये ट्रूथ भी बताएगा और ये लॉजिकल स्ट्रेंथ भी बताएगा। वैलिडिटी में हमने सिर्फ लॉजिकल स्ट्रेंथ बताई है, बट साउंडनेस में हम ट्रूथ भी बताएंगे। तो स्टे क्या कंडीशन रहेगी, कोई भी डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट उसको हम साउंड कब बोलेंगे, कि वो या एक तो वैलिड हो डेफिनेटली, तभी तो हम बोले ना वैलिड वाले से क्या पता चल गया, अगर वो वैलिड है तो लॉजिकल स्ट्रेंथ है उसमें, करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट होगी कि वो प्रीमाइसेस जो है वो एक्चुअल में ट्रू होनी चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे कि वो स्टेटमेंट साउंड है। एग्जांपल देखिए, ऑल कैट्स आर मैमल्स, ठीक है, ऑल मैमल्स आर एनिमल्स, एंड देन कंक्लूजन, अब ये माना हमने कि ये दोनों सही हैं, उस बेसिस पे हमारा कंक्लूजन निकल गया कि ये ठीक है, सो ये वैलिड तो हो गया, यानी पहली दो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, फिर ये तीसरी कंक्लूजन ट्रू है, सो ये वैलिड हो गया आर्ग्यूमेंट। अब वैलिड के बाद हम देखेंगे कि ये साउंड है या नहीं, क्योंकि वैलिड तो हो गया बट ये एक्चुअल में ट्रू भी तो होनी चाहिए ना। सो कैट्स जो है ऑब्वियसली मैमल्स में आते हैं, और मैमल्स जो है वो एनिमल्स हैं, यानी कैट्स जो क्या हो गई वो एनिमल्स हो गई, तो ये एक्चुअल में ट्रू है ये स्टेटमेंट इन जनरल लाइफ में। सो ये एक्चुअल में ट्रू है, इसलिए ये क्या हो गया, साउंड का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। समझ आया, अगर नहीं समझ आया तो एक एग्जाम्पल आप ये लेके चलिए, ये वाला जो था, ये वाला, इसमें हमने क्या बोला था, ऑल डॉग्स आर ड्रैगन्स, लेकिन डॉग्स ड्रैगन्स तो नहीं होते ना। सो ये देखा जाए तो ये वैलिड तो है लेकिन ये साउंड नहीं है,
क्योंकि सारे के सारे डॉग्स बर्ड्स नहीं होते, बट लॉजिकली सही है ये, तो लॉजिकल स्ट्रेंथ तो इसमें है, लेकिन वैलिड के बाद ये जो है साउंड और अनसाउंड दो चीजें हो सकती है ना, सो वैलिड के बाद ये क्या है, अनसाउंड था वो एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल जो है वो साउंड का एग्जाम्पल हो गया। तो ये दो एट्रीब्यूट होते हैं, यानी कि आर्ग्यूमेंट होगा उसमें दो चीजें मैंने बताई आपको, डिडक्टिव और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट या रीजनिंग। अब डिडक्टिव जो होगी उसमें वैलिड और इनवैलिड दो चीजें हो सकती हैं, अगर कंक्लूजन ट्रू है, प्रिमाइसिस को ट्रू मान के अज्यूम करके हम देख रहे हैं, मतलब बेसिकली प्रिमाइसिस फॉलोज द कंक्लूजन, नहीं कंक्लूजन फॉलोज द प्रिमाइसिस, ठीक है, यानी कंक्लूजन जो है वो प्रिमाइसिस से निकल के आया है, तो ये तो लॉजिकल स्ट्रेंथ दिखाएगी, वैलिड हो जाएगी, अगर नहीं है तो इनवैलिड हो गई। बट वैलिड में फर्दर दो चीजें आ जाएंगी कि या तो वो अनसाउंड है या फिर वो साउंड है, तो वैलिड में तो दो ऑप्शन आ गए ना, साउंड और अनसाउंड का, लेकिन इनवैलिड में तो ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन रहेगा कि वो अनसाउंड है। सो आई होप आपको ये टर्मिनोलॉजी जो है वो सारी की सारी समझ आई हो, कुछ नहीं समझ आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग। क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो भाई।